नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश के एटा में रोडवेज कंडक्टर की खुलेआम गुंडई, एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों को बुलाकर महिला सवारियों सहित बेरहमी से कई लोगों की उसने पिटाई की। महिला सहित एक दंपत्ति गंभीर घायल हो गए। सवारी बिठाने को लेकर कंडक्टर से मामूली विवाद हुआ था, उसी को लेकर दंपत्ति के साथ जमकर मारपीट की। ये पूरा मामला थाना मिरहची क्षेत्र के एटा बरेली हाईवे मार्ग का है। उत्तर प्रदेश के रोडवेज में आए दिन कंडक्टरों की गुंडागर्दी सामने आ रही है। ताजा मामला एटा बरेली हाईवे मार्ग का है, जहां आगरा से बरेली जा रही बरेली डिपो के परिचालक ने अपनी गुंडई के बल पर सवारी दंपत्ति को बुरी तरह से पीट दिया। दबंग परिचालक ने अपने असलाहों से लैस आए अपने साथियों की मदद से सवारी दंपत्ति को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिचालक ने महिला सवारी को अभद्रता करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ दिए। वहीं इस कंडक्टर की दबंगई तो देखिए कि साहब, महिला को बचाने आई दूसरी सवारी को भी उसने पीट दिया। बताया जाता है कि मारहरा निवासी फहीम अपनी पत्नी व बच्चों के साथ आगरा से मिरहची आ रहा था। वहीं बरेली डिपो की रोडवेज बस संख्या UP25BT1174 से आ रहे थे। आरोप है कि सवारियों को लेकर परिचालक से कोई बात हो गई, लेकिन जैसे ही बस एटा किए मिरहची की ओर से निकली, तभी परिचालक ने गांव देतई के निकट अपने रिश्तेदारों से अवैध असलाहों से लैस दर्जन भर साथियों को बुला लिया। बस के परिचालक व अवैध असलहों से लैस दर्जन भर गुंडों ने जान से मारने की नीयत से फहीम पर हमला कर दिया। मारपीट से बस में चीख पुकार मच गई। आरोपियों ने फहीम की पत्नी को भी बुरी तरह से पीट दिया। आरोप है कि अवैध असलहों से लैस गुंडों ने फहीम की पत्नी के कपड़े फाड़ दिए। वहीं मारपीट के बचाव में उतरी सवारियों को भी पीट दिया। घटना की जानकारी पर मिरहची पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके से सभी आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने बस के परिचालक को हिरासत में ले लिया। वहीं बस के चालक का कहना है कि बस पर जिस परिचालक की ड्यूटी है वह छुट्टी पर है, इस परिचालक को आपातकाल में लाए थे। प्राइम न्यूज 24 से विकास दुबे की रिपोर्ट। मैं आ रहा था, मेरे साथ है मेरी बीवी थी, तीन लोगों की सीट थी। ये मेरे पास आया, कैसे एक आदमी उठा लो सवारी को, मैं बैठा लो। वो सवारी मेरे पास बैठ गई, मेरे पास बच्चे थे, वो सवारी मेरे पास नहीं बैठी, वो उठ दूसरी भी बैठाई। फिर दोबारा आया मेरे पास, ये एक सवारी को बैठा लो, मैं यही बैठा ले, मेरे पैर में चोट नहीं हुई है, मेरे से पहले एक्सीडेंट हो चुका है, यहाँ मैं बैठा ले। वो सवारी फिर मेरे नहीं बैठी, बोली तुम्हारे पैर चोट लगी है, बैठा इसी बार फिर ले गया। फिर मुझसे गाली वगैरह करी, कोई मारा चुआ उसे बढ़ाता नहीं, बढ़ाता कंडक्टर कहा मुझसे, तो मैं बत्तरी करी, मैं बत्तरी करी, कहा से भी हो गई सब सवारी खत्म करा दी। बोला मैं रोकना पचुक रहा था स्टेशन पे, उस पर पुलिस चौकी पे, तो पुलिस चौकी पे गाड़ी रोकी नहीं, हम सीधे चले आए, बात सब खत्म हो गई। एटा भी लग गए, हमें मैसेज करना था, इसने मैसेज पीछे मूर्तियों से जो दो मूर्ति है आ गए, वहाँ पर गाड़ी रोकी, इन्हें पहले ही फोन कर दिया एटा से, 25-30 लोग आ गए, वहाँ पे आ गए। मैं समझा सवारी चल रही होंगी, ड्राइवर ने गाड़ी साइड से लगा दी, तो 25-30 लोग आ गए, इसे पूछा कौन है, इन्हें गलती दिया है। उन्होंने मुझे बहुत भी मारा पीटा, गाड़ी से खींच के लिया है, बस मरा मरा हो जाए। आपकी पत्नी से ही मेरी पत्नी ने उसे पीछा करा, उसे कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने, ड्राइवर ने थप्पड़ मारे मेरी बीवी के। हाँ ड्राइवर साहब, ये कंडक्टर आपकी गाड़ी पे आपके साथ चलते हैं? हमारे कंडक्टर नहीं है। अच्छा, तो आज कंडक्टर हमारे और है। फिर ये आज कैसे आपकी गाड़ी पे? जब कोई था ही नहीं तो मजबूरी में लाना पड़ा, कोई उनके बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई। अच्छा, इनके साथ कहीं झगड़ा हुआ हुआ पीछे, उसको हमने समझा दिया, हमने खत्म करो, जो हो गया हटाओ, जो उसके बाद यहाँ पर आके फिर आके मोटरसाइकिल लगा दी, मारपीट का झगड़ा हो गया, मैं मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ा दिया था, क्या करता मैं। अच्छा, मोटरसाइकिल लगा, गांव वालों ने गाड़ी रोक दिया। हाँ, गाड़ी रोकी, बात की मजबूर हो गया, मैं क्या करता।